तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे आउटलाइन। आउटलाइन में आपको कितने भी दिन या कितना भी समय लगता है, आप उसे आराम से और उसको ठीक से ड्रॉ करें। अगर आउटलाइन आपकी ठीक नहीं है तो स्केच आपका परफेक्ट नहीं लगता, इसलिए आउटलाइन को अच्छे से और टाइम लेकर ध्यान से ड्रॉ करें। स्टेप टू शेडिंग। आउटलाइन होने के बाद दोस्तों बारी आती है शेडिंग की। शेडिंग को हमेशा शुरू में सबसे हल्की पेंसिल से ही किया जाता है, जैसे कि 2H या 3H जैसी पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक मैकेनिकल पेंसिल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफी समय हो चुका है स्केटिंग करते हुए। अगर आप बिगनर है तो आप 2H या 3H ऐसे ही शेडिंग स्टार्ट करें, और अगर आप थोड़ा स्केच कर चुके हैं तो आप नॉर्मल HB पेंसिल से सेटिंग कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप नॉर्मल ब्रूस या फिर ईयरबड्स ले सकते हैं शेडिंग के लिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, स्केचिंग हमेशा ऊपर की ओर से ही शुरू करें, जिससे पेंसिल का ग्रेफाइट आपके हाथ में ना लगे और आपका स्केच गंदा ना हो। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं आपको 5 ऐसी गलतियां क्योंकि बिगनर आर्टिस्ट शुरू में करते हैं। नंबर 1, ज्यादातर स्टूडेंट शुरू में सबसे ज्यादा कार्टून स्केच बनाते हैं और वह कार्टून ही कार्टून बनाते रहते हैं, जिसके कारण उनकी स्केचिंग इम्प्रूव नहीं हो पाती और उनसे पोर्ट्रेट स्केच नहीं बन पाते। नंबर 2, शुरू में आपके पास जो भी सामान हो उसी से शुरू करें। जरूरी नहीं कि आप किसी बड़े आर्टिस्ट को देखकर महंगे महंगे सामान लेकर ही शुरू करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप शुरू में जो आपके पास है उसी से स्टार्ट करें। नंबर 3, जब किसी बड़े आर्टिस्ट की वीडियो देखते हैं तो आप उनके वीडियो देखकर सेम स्केच बिल्कुल ना करें। शुरू में आप आसान और सिंपल स्केच ही शुरू करें जो आपसे बन सके। नंबर 4, बहुत सारे बिगनर आर्टिस्ट पेंटिंग पेंसिल बनाना शुरू कर देते हैं, उनकी स्केचिंग ठीक नहीं हो पाती पर वह शुरू में ही बड़ी बड़ी चीजें करने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब तक आपकी स्केचिंग अच्छी और ठीक नहीं हो जाती आप पेंटिंग या कुछ ऐसा वैसा सब ना करें। नंबर 5, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वह है आप शुरू में शेडिंग डिटेलिंग पर बिल्कुल ना भागे। बहुत सारे बिगनर यही करते हैं। आपको शुरू में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है वह है आउटलाइन। जब तक आप ऑफलाइन परफेक्ट या ठीक नहीं कर लेते आपका स्केच बिल्कुल भी अच्छा और खूबसूरत नहीं लगेगा।